पिपरवार क्षेत्र के आईआरबी 3 कैंप परिसर में बुधवार को जवानों के द्वारा 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कैंप परिसर में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने अपने अपने हाथों में कैंडल जलाकर विजय युद्ध में शहीद हुए भारत के वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर भगवान से प्रार्थना की। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जवानों ने कहा कि विजय दिवस भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है, जिसे युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर परेश मरांडी, पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष शमशेर खान, मंत्री सुजीत कुमार, लक्ष्मी कुमारी, ज्योति होरो, संजू कुमारी, सीमा कुमारी, अनीता वाड़ो, कमलेश कुमार समेत काफी संख्या में जवान उपस्थित थे। कारगिल विजय दिवस मनाया गया है और इसी तरह हर साल मनाया जाएगा कारगिल विजय दिवस की याद में। इस कारगिल विजय दिवस को लेकर सब जो जवान वो शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। जी हाँ, यहाँ सब लोग हम लोग मिलकर यहाँ समर्पित अर्पित किया गया है। आज जो कारगिल दिवस मनाया जा रहा है उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? आज 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है। ये पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल युद्ध में हमारे जवानों ने विजय प्राप्त की थी, इसीलिए हर साल शहीदों के लिए शहीदों को शहीदों की जाती है 26 जुलाई को और हर वर्ष इसे मैंने विजय दिवस के रूप में और जो जवान शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कारगिल युद्ध पर विजय दिवस के रूप में और शहीदों के सम्मान के लिए मनाए जाते हैं। आज जो कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है इसको विजय दिवस मना के कैसा महसूस कर रहे हैं? आज 26 जुलाई हम लोग पूरे देशवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज ही के दिन हम लोग पाकिस्तान को धूल चटाए थे और कारगिल में विजय प्राप्त किए थे और इस दिवस के हम सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सच्चे वीर सपूत के लिए इस दिवस को मनाते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।